गीत जानकारी से भागीदारी तक। भारत में जरूरतमंद परिवारों को सहायता पहुंचाने के लिए केंद्र एवं राज्य सरकारों ने कई योजनाएं प्रारंभ की हैं। ऐसे सराहनीय प्रयास कई बार जरूरतमंदों तक नहीं पहुंच पाते हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय, UNDP और फाउंडेशन फॉर इकोलॉजिकल सिक्योरिटी की एक पहल है जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, GIS Enabled Entitlement Tracking System, यानी गीत मोबाइल ऐप। गीत का उद्देश्य है सरकार की योजनाओं के बारे में ग्रामीण समुदायों को जानकारी देना। छोटे किसान, भूमिहीन परिवारों और गरीबी रेखा से नीचे जीने वाले समुदायों को उनके अधिकारों एवं पात्रता के बारे में समझाना और आर्थिक रूप से उनकी आजीविका में सुधार लाना। गीत ऐप की सफलता में एन्यूमरेटर्स या सर्वेकर्ता अहम भूमिका निभाते हैं। एन्यूमरेटर्स व्यक्तियों और परिवारों को गीत ऐप पर रजिस्टर करते हैं। गीत के माध्यम से नागरिकों के लिए उपलब्ध विभिन्न सरकारी योजनाओं के अंतर्गत उनकी पात्रता एवं लाभों की जानकारी देते हैं। इस वीडियो का उद्देश्य है ऐप का सही उपयोग करने के लिए एन्यूमरेटर्स को ट्रेन करना। कृपया ऐप डाउनलोड करने के लिए अपने ब्राउजर में गीत का URL https://geet.observatory.org.in टाइप करें। ब्राउज करने पर नीचे आपको दिखेंगे गीत एन्यूमरेटर्स ऐप और दूसरा गीत पब्लिक ऐप। हमें गीत एन्यूमरेटर्स ऐप डाउनलोड करना है। एन्यूमरेटर्स ऐप के नीचे डाउनलोड पे क्लिक करने से ऐप डाउनलोड हो जाएगा। फिर ऐप को अपने मोबाइल में इंस्टॉल करें और सारे तय राइट्स दे दें। पोर्टल पर लॉगिन करने के लिए एडमिन ने आपको जो यूजर आईडी और पासवर्ड दिया है उसको ऐप में एंटर करके आप लॉगिन कर सकते हैं। ध्यान रहे, लॉगिन के समय इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत होगी। यूजर आईडी और पासवर्ड डालकर जैसे ही मैंने लॉगिन किया वैसे ही सामने रीजन सेलेक्ट करने का पेज खुल गया। एडमिन ने जिस लोकेशन का एक्सेस एन्यूमरेटर को दिया है वो एन्यूमरेटर को ड्रॉप डाउन लिस्ट में दिखेगा। यहाँ राज्य, जिला और तहसील ड्रॉप डाउन मेनू में मौजूद है। हमें यहाँ उन गाँवों की लिस्ट दिखाई देगी जो एन्यूमरेटर के हवाले किए गए हैं। एन्यूमरेटर जिस गांव में काम करेंगे वो उनका डिफॉल्ट गांव हो जाएगा। हालांकि एन्यूमरेटर एक साथ 3 गांव का डेटा डाउनलोड कर सकते हैं, पर हमारा सुझाव है कि डेटा डाउनलोड करने के लिए सिर्फ 1 गांव चुनें। डिफॉल्ट गांव चुनने और सबमिट करने पर डिफॉल्ट गाँव का सारा डेटा आपके मोबाइल ऐप पर डाउनलोड हो जाएगा। डेटा डाउनलोड करने के लिए इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत होगी। डाउनलोड होने में कुछ मिनट लग सकते हैं। डेटा डाउनलोड के बाद हम होम स्क्रीन पर जाएंगे। यहाँ नीचे सेटिंग्स को क्लिक करते ही सेटिंग्स का पेज खुलेगा जहाँ हम ऐप की भाषा बदल सकते हैं। भाषा बदलने के लिए हम चेंज लैंग्वेज पे क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते ही ड्रॉप डाउन मेनू से हम अपने क्षेत्र की भाषा चुन सकते हैं। हमने चुनी हिंदी। भाषा बदलने के लिए इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत नहीं होगी। अब एन्यूमरेटर डिफॉल्ट गांव में काम कर सकते हैं। सेक्शन 1 डेटा एंट्री। इसमें हम डेटा एंट्री के बारे में जानेंगे। होम स्क्रीन पर 4 सेक्शन हैं। पहला है SECC डेटा, एंटाइटलमेंट कार्ड डेटा, नया रिकॉर्ड जोड़े और परिवार विभाजन। SECC डेटा में सरकारी सेंसस का डेटा होता है। इसका प्रयोग उपयोगिता के अनुसार किया जा सकता है। गांव में काम करने के लिए इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत नहीं होगी। आइए सबसे पहले हम नया रिकॉर्ड जोड़े में जाते हैं। नया रिकॉर्ड जोड़ने के लिए हमने जैसे ही नया रिकॉर्ड जोड़े को क्लिक किया तो सबसे पहले बुनियादी सेक्शन ओपन हुआ। जिस व्यक्ति का रिकॉर्ड हमें ऐड करना है उसका नाम, उसके पिता या पति का नाम, माँ का नाम, जन्म की तारीख जोड़ें। यहाँ कैलेंडर में महीने का ऑप्शन ऊपर से आता है। साल बदलने के लिए मैंने बर्थ ईयर लिखा और नीचे जाकर उसे क्लिक कर दिया। मोबाइल का 10 डिजिट नंबर डाला, फिर उम्र, जाति,
लिंग या जेंडर ड्रॉपडाउन मेन्यू से चुना, पात्र बीपीएल हैं या नहीं ये भरा, वैवाहिक स्थिति ड्रॉपडाउन मेन्यू से चुनी, विकलांगता है या नहीं ये चुना, ये सारी जानकारियां भरना जरूरी है। फॉर्म में सबसे नीचे है SHG यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप। जिस व्यक्ति का डेटा हम जोड़ रहे हैं अगर वो किसी SHG से जुड़े हैं तो इन्यूमरेटर उस SHG का नाम ड्रॉपडाउन मेन्यू से चुन सकते हैं। वैसे इस फील्ड को भरना जरूरी नहीं है। हाउसहोल्ड नंबर या HH नंबर के दो सेक्शन हैं। अगर हम कोई तीसरा या चौथा सदस्य पहले से रजिस्टर्ड परिवार में जोड़ रहे हैं तो हम मौजूदा परिवार वाला ऑप्शन चुनेंगे। दूसरा ऑप्शन है नया परिवार दर्ज करें। नया परिवार दर्ज करें ऑप्शन सेलेक्ट करके हम नए परिवार को ऐप में जोड़ सकते हैं। नया परिवार दर्ज करने के लिए परिवार के मुखिया की बुनियादी जानकारी भरना जरूरी है। पेज में उनकी उम्र, जाति, जेंडर और वो BPL हैं या नहीं, उनकी वैवाहिक स्थिति जैसी जानकारी भरने के बाद हमने सम्मिलित करें बटन क्लिक किया तो हमें अस्थायी हाउसहोल्ड नंबर मिला, नंबर 386। अस्थायी हाउसहोल्ड नंबर गीत मोबाइल ऐप से जनरेट होता है। मौजूदा परिवार वाले ऑप्शन को क्लिक करते हैं तो हमें दो ऑप्शन दिखाई देते हैं, पहला हाउसहोल्ड नंबर और दूसरा अस्थायी HH नंबर। अगर आप किसी पहले से रजिस्टर्ड परिवार में नए मेंबर को जोड़ रहे हैं तो आपको उसका अस्थायी HH नंबर याद रखना होगा। गीत, इंटरनेट की सुविधा के बिना भी अस्थायी हाउसहोल्ड नंबर और हर व्यक्ति के लिए अस्थायी पात्रता संख्या भी तैयार करता है। 12 डिजिट का स्थायी ECID नंबर और HH नंबर तब तक जनरेट नहीं होगा जब तक आपका सारा डेटा पोर्टल पे सिंक नहीं हो जाता। इस स्थिति में हमें अस्थायी HH नंबर का इस्तेमाल करना होगा। सेटिंग्स को क्लिक करके जैसे ही मैंने डेटा सिंक करें पर क्लिक किया वैसे ही हर एंट्री का स्थायी नंबर और HH नंबर ऐप में आ गया। इसके बाद इसी परिवार के किसी सदस्य को ऐड करने के लिए एक अन्य जोड़े पर क्लिक करके हम इस परिवार के दूसरे सदस्य को जोड़ सकते हैं। यदि आप नया परिवार जोड़ रहे हैं तो आपको नया अस्थायी HH नंबर मिलेगा। अगर आपके हितग्राही किसी खास योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो आप उस सब्जेक्ट हेड में जानकारी डालकर उनकी पात्रता की जांच कर सकते हैं। इन जानकारियों के आधार पर योजनाओं को 10 सब्जेक्ट हेड में विभाजित किया गया है। ये हैं मूल जानकारी, ID कार्ड, सोशल सिक्योरिटी, कौशल विकास, स्वच्छता, स्वास्थ्य और पोषण, आजीविका और रोजगार, आवास, महिला एवं बाल विकास, बीमा और सब। बुनियादी डिटेल्स भरने के बाद आप पहचान पत्र डिटेल्स भरें। आईडी कार्ड में राशन कार्ड और BPL कार्ड जैसे रिकॉर्ड दर्ज किए जाते हैं। कई बार लोग अपना पहचान पत्र नहीं लाते या उसके बारे में जानकारी नहीं देते, इसलिए ये सेक्शन भरना अनिवार्य नहीं है। आप जरूरत के हिसाब से डेटा भर सकते हैं, लेकिन हमारा सुझाव है कि आप सब में सारा डेटा फीड करवा दें तो ऐप खुद ब खुद बता देगा कि पात्र किन योजनाओं के लिए योग्य हैं। सब ऑप्शन में उम्र भरिए, ड्रॉप डाउन मेनू से जाति चुनिए, जेंडर BPL हैं या नहीं, वैवाहिक स्थिति ड्रॉपडाउन मेन्यू से चुनिए, गर्भवती अथवा स्तनपान कराने वाली महिला हैं या नहीं, विकलांगता है या नहीं, शैक्षिक स्तर ड्रॉपडाउन मेन्यू से चुनिए, निरक्षर एक व्यक्ति जो पढ़या लिख नहीं सकता, साक्षर लेकिन प्राथमिक से नीचे, 7 वर्ष से अधिक का व्यक्ति जो किसी भाषा को समझने के साथ पढ़ और लिख सकता है और जिसने केवल 4th कक्षा तक पढ़ाई की है, प्राथमिक जिसने 5वीं, 6ठी या 7वीं कक्षा की पढ़ाई की हो, 9वीं से 12वीं कक्षा पास, 10वीं या 12वीं फेल, माध्यमिक व्यक्ति जो 10वीं या 11वीं कक्षा पास हो, उच्च माध्यमिक व्यक्ति जो 12वीं कक्षा पास कर चुका है लेकिन ग्रेजुएशन नहीं किया है, स्नातक या उच्चतर जिन्होंने ग्रेजुएशन पूरा किया हो। घर का प्रकार एन्यूमरेटर्स को ड्रॉपडाउन सूची में से चुनना होगा। सामान्य समूह जो एक साथ रहते हैं जिनका भोजन एक रसोई में पकाया जाता है। संस्थागत असंबंधित व्यक्तियों का समूह जिनका भोजन एक रसोई में बनता है। बेघर जो घरों में नहीं बल्कि खुले में रहते हैं। दीवार का प्रकार घास, छप्पर, बांस, लकड़ी, गीली मिट्टी, प्लास्टिक, बिना सिकी ईंट, हस्त निर्मित टाइल्स, अन्य। आय का मुख्य स्रोत दिहाड़ी मजदूरी, गैर कृषि एवं खुद का व्यवसाय, भीख मांगना, दान, कूड़ा संग्रहण, खेती, अन्य या कोई नहीं। खुद की जमीन हाँ या नहीं,
क्षेत्र का प्रकार ग्रामीण या शहरी, अति कमजोर जनजाति समूह हाँ या नहीं, किसान हाँ या नहीं, वार्षिक आय जानकारी भरें, पशु हाँ या नहीं, बैंक खाता हाँ या नहीं। अगर आप अपने हितग्राही के लिए किसी खास सब्जेक्ट हेड से जुड़ी हुई योजनाओं की जानकारी देखना चाहते हैं, तो आप उस सब्जेक्ट हेड में जरूरी जानकारी भरें। फिर से लिखें ऑप्शन आपको गलती सुधार कर फिर से एंट्री करने की सहूलियत देता है। सम्मिलित करें ऑप्शन के इस्तेमाल से आप डेटा सेव कर सकते हैं। एंटाइटलमेंट कार्ड डेटा में व्यक्ति और परिवार दोनों का डेटा होता है। इसमें व्यक्ति और परिवार दोनों का यूनिक आईडी होता है। दोनों एक दूसरे से लिंक भी होते हैं। एंटाइटलमेंट कार्ड डेटा को क्लिक करने पर हमें तीन ऑप्शन मिलते हैं, व्यक्ति, परिवार और मृत व्यक्ति का रिकॉर्ड। व्यक्ति, व्यक्ति पर क्लिक करके ऐप पर रजिस्टर्ड व्यक्ति की जानकारी देख सकते हैं। यूजर सर्च वाले टेक्स्ट बॉक्स में ईसी नंबर, पिता या पति का नाम जैसी डिटेल्स डालकर रिकॉर्ड खोज सकते हैं। यूजर ऊपर के तीन डॉट्स का इस्तेमाल कर रिकॉर्ड्स को सॉर्ट भी कर सकते हैं। परिवार, परिवार पर क्लिक करके ऐप में रजिस्टर हुए सभी परिवारों के रिकॉर्ड्स देख सकते हैं। एन्यूमरेटर ड्रॉप डाउन में टेक्स्ट एंटर करके परिवार के रिकॉर्ड्स को चेक और अपडेट भी कर सकते हैं। देखिए किसी एक व्यक्ति या परिवार से जुड़े रिकॉर्ड्स आप कैसे देख सकते हैं। ऐप पर मृत व्यक्ति का रिकॉर्ड ऐड करना जरूरी है जिसे ऐप में पहले से रजिस्टर्ड किया गया हो। पहला कदम, मृत व्यक्ति का रिकॉर्ड जोड़ने के लिए प्लस को क्लिक करें। दूसरा कदम, मृत व्यक्ति का ईसी नंबर एंटर करें। जैसे ही मैंने अस्थायी पात्रता नंबर पर जाके चार नंबर पर क्लिक किया तो प्रदीप का नाम आया। प्रदीप की माँ का नाम सीता और पिता का नाम संजय है, तो ऐप ने उनकी मृत्यु की तारीख डालने के लिए कहा। तीसरा कदम, अब डेथ सर्टिफिकेट का नंबर डालें, फिर सर्टिफिकेट फोटो कैप्चर करें, उसके बाद सेव पर क्लिक करके सब सेव कर लें। इसके बाद मृत व्यक्ति के रिकॉर्ड सभी पात्रता की लिस्ट से हट जाएंगे। उनका नाम ट्रैकिंग रजिस्टर में भी नहीं आएगा। उनका नाम और रिकॉर्ड अब एक अलग रजिस्टर में चला जाएगा। कई बार एक परिवार के कुछ सदस्य बड़े परिवार से हटकर एक अलग परिवार बना लेते हैं। परिवार बांटने के लिए होम स्क्रीन पर परिवार विभाजन ऑप्शन पर क्लिक करें। पहला कदम, परिवार को खोजने के लिए उसकी हाउसहोल्ड संख्या या अस्थायी संख्या एंटर करें। उदाहरण के लिए हमने इस परिवार के अस्थायी हाउसहोल्ड नंबर 3 पर एंटर किया तो देखा कि अस्थायी हाउसहोल्ड नंबर 3 को 2 लोग अलॉटेड हैं, संदेश और दूसरा महेश। दूसरा कदम, दोनों नाम के पास एक प्लस का निशान है। जैसे ही मैंने प्लस को क्लिक किया वो माइनस के निशान में बदल गया, मतलब महेश संदेश के हाउसहोल्ड से हटकर एक नए हाउसहोल्ड में चले गए। अब महेश का एक नया हाउसहोल्ड नंबर बनेगा। तीसरा कदम, मेरे सेव करें पर क्लिक करते ही एक नए परिवार की स्थायी घरेलू संख्या हम देख पाएंगे। साथ में मिलेगा एक मैसेज जो ये कन्फर्म करेगा कि परिवार का विभाजन सफल रहा। सेक्शन 2, योजनाएं। इसमें हम योजनाओं के बारे में जानेंगे। इसमें हम व्यक्ति की योजना खोजे में जाकर अलग अलग सब्जेक्ट हेड की योजनाओं को देखने के लिए उपयुक्त जानकारी भर सकते हैं या सब बटन पर क्लिक करके सारी योजनाएं चेक कर सकते हैं। जैसे ही हम ईसी नंबर या अस्थायी नंबर डालकर खोजे पर क्लिक करते हैं, हमें योग्यताओं के अनुसार योजनाओं की लिस्ट दिखेगी। अगर पात्रता संख्या याद नहीं है तो आप सीधे किसी सब्जेक्ट हेड में जाकर पात्रता की जाँच कर सकते हैं। परिवार के लिए भी उपयुक्त योजनाएं देखने के लिए इसी पद्धति को फॉलो करें। सेक्शन 3, एंटाइटलमेंट ट्रैकिंग। इसमें हम एंटाइटलमेंट ट्रैकिंग के बारे में जानेंगे। व्यक्तियों के लिए एंटाइटलमेंट ट्रैकिंग को इस्तेमाल करने के लिए होम स्क्रीन पर एंटाइटलमेंट ट्रैकिंग के नीचे व्यक्तियों वाले बटन को क्लिक करें। अपना ईसी नंबर या अस्थायी ईसी नंबर दर्ज करके सबमिट बटन पर क्लिक करें। ऐप संबंधित सभी योजनाओं को दो भाग में दिखाएगा, योग्य योजनाएं और गैर योग्य योजनाएं। मैंने व्यक्ति पे क्लिक किया, अस्थायी पात्रता संख्या डाली तो सोहन की जानकारी सामने आ गई। इसमें दो सेक्शन है, एक है योग्य योजनाएं और
दूसरा है गैर योग्य योजनाएं। जिस योजना को हम चुनते हैं वो हाईलाइट हो जाती है। जिन योजनाओं के लिए सोहन योग्य हैं, उनकी जानकारी यहाँ दिख रही है। योग्य योजना पर क्लिक करते ही सारी योग्य योजनाएं दो भाग में दिखेंगी। पहला आवेदन किया है और दूसरा लाभ उठाया है। हम जैसे ही आवेदन किया है पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कैलेंडर खुल जाएगा। हमें वो तारीख दिखेगी जिसमें योजना के लिए कब आवेदन दिया गया और कब उसका लाभ उठाया गया, ये पता चलेगा। गैर योग्य योजना पे क्लिक करने पर वो सभी योजनाएं दिखेंगी जिसके लिए वो योग्य नहीं है। गैर योग्य योजनाओं को लिस्ट में इसलिए रखा जाता है कि भले ही आज सोहन इन योजनाओं के लिए योग्य ना हो, भविष्य में वो इनके पात्र हो सकते हैं। हो सकता है अविवाहित सोहन विवाहित हो जाएं, या नाबालिग सोहन 18 साल के हो जाएं, या वो सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आ जाएं। ट्रैकिंग रजिस्टर से एन्यूमरेटर पात्रताओं को ट्रैक कर सकते हैं। इससे एन्यूमरेटर देख सकते हैं कि किस तारीख को एक व्यक्ति ने किन योजनाओं के लिए अप्लाई किया, किन योजनाओं के लिए आवेदन नहीं दिया और किस तारीख को उन्हें योजनाओं का लाभ मिला। इस सारी जानकारी को सेव बटन पे क्लिक करके वो सेव भी कर सकते हैं। पुनः स्थापित करें का मतलब है डेटा को पूरा खाली कर दें। रद्द करें से सब कुछ अंडू हो जाएगा। सेक्शन 4 एंटाइटलमेंट शिकायतें। इसमें हम एंटाइटलमेंट शिकायतों के बारे में जानेंगे। व्यक्तियों और परिवारों से संबंधित योजनाओं की शिकायत दर्ज करने के लिए दो ऑप्शन हैं, व्यक्तियों और परिवारों। व्यक्ति से संबंधित योजनाओं की शिकायत दर्ज करने के लिए होम स्क्रीन पर एंटाइटलमेंट शिकायतों के नीचे व्यक्तियों वाले बटन को क्लिक करें। ऊपर बने प्लस के इस्तेमाल से हम ऐप पर शिकायत रजिस्टर कर सकते हैं। इस प्लस पर क्लिक करते ही सिस्टम हमसे शिकायत दर्ज करने वाले की पात्रता संख्या दर्ज करने को कहेगा। पात्रता संख्या एंटर करके आप नई शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इसी तरह से आप परिवार से जुड़ी योजनाओं की शिकायत दर्ज कर सकते हैं। फिर एन्यूमरेटर को उस योजना को चुनना होगा जिसके संबंध में व्यक्ति को शिकायत दर्ज करना है। योजना का लाभ नहीं मिल रहा या आंशिक लाभ ही मिल रहा है तो अपनी शिकायतों का चयन करें ऑप्शन को क्लिक करें और शिकायत का प्रकार चुनें। आप शिकायत का फोटो भी अपलोड कर सकते हैं, हालांकि ये ऑप्शन भरना जरूरी नहीं है। शिकायत को सेव करने के लिए सेव करें ऑप्शन पे क्लिक करें। कैंसिल करने के लिए रद्द करें ऑप्शन को क्लिक करें। फिर से शिकायत दर्ज करने के लिए पुनर्स्थापित पे क्लिक करें। एंटाइटलमेंट शिकायतों के तहत दर्ज की शिकायत दो सेक्शन में दिखती है। पहला है अनिर्णित, इसमें वो शिकायतें हैं जिनका समाधान नहीं हुआ है। दूसरा है निर्णित, इसमें वो शिकायतें हैं जिनका समाधान हो गया है। शिकायत ड्रॉप डाउन मेन्यू में ना दिखे तो अदर ऑप्शन पर क्लिक करके शिकायत दर्ज करें बटन से व्यक्ति या परिवार से जुड़ी योजनाओं की शिकायत आप दर्ज कर सकते हैं। सेक्शन 5 ऐप सेटिंग। इसमें हम ऐप सेटिंग के बारे में जानेंगे। यदि नेटवर्क कनेक्टिविटी हो तो हर 3-4 घंटे में डेटा सिंक करना जरूरी है। हो सके तो रोज शाम डेटा सिंक जरूर कीजिए। डेटा सिंक करने से डेटा सर्वर में सेव हो जाता है। अगर आपका मोबाइल चोरी हो जाए या खराब हो जाए तब भी डेटा सर्वर पर सेफ रहता है। डेटा को मोबाइल से गीत के सर्वर पर सेव करने के लिए आपको इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत होगी। इसके लिए हम सेटिंग पे गए और डेटा सिंक करें ऑप्शन पर क्लिक किया। डेटा सेव हो गया। अगले गांव में काम करने के लिए आपको रीजन बदलना होगा। इसके लिए क्षेत्र बदलने का बटन दबाइए। रीजन चेंज में आप सिर्फ अपना गांव बदलकर नया गांव चुन सकते हैं। लॉग आउट करने के लिए आपको इंटरनेट की जरूरत नहीं होगी। लॉग आउट करने के लिए होम स्क्रीन से सेटिंग्स पेज पर जाएं। सेटिंग पेज पर मौजूद लॉग आउट बटन को क्लिक करके आप लॉग आउट कीजिए। उसी अकाउंट से दोबारा लॉग इन करने के लिए आप ऐप में लॉग इन अगेन ऑप्शन पर यूजर आईडी और पासवर्ड डालकर दोबारा लॉग इन कर सकते हैं। अपनी इसी आईडी से आप गीत पब्लिक पोर्टल पर लॉग इन करके एकत्र किए डेटा को देख सकते हैं और उसके आधार पर नई रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। याद रखिए, मौका मिलने पर डेटा सिंक करते रहें। ऐसा करने से डेटा सर्वर में सुरक्षित रहता है। डेटा सेव करने के लिए इंटरनेट कनेक्शन जरूरी है। हमारा URL है https://www.ecitizen.gov.in/
www.geet.observatory.org.in। गीत, जानकारी से भागीदारी तक।